वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, उसे व्हाइट कर लें और साथ में बेल का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, अगर आज आप भी ढूंढ रहे हैं कि हम एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर में आपको टाइप करना पड़ेगा वीडियो स्क्राइब और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। डाउनलोड करते ही आपके सामने कुछ एक सॉफ्टवेयर वाली फाइल आएगी, उसे आपको अपने पीसी में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद। और उसके बाद आपको दूसरा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना है वो है इंक एस्केप। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि आपको अगर वीडियो स्क्राइब में हिंदी लिखना होता है तो इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करेंगे। तो इस दोनों सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा फुल ट्यूटोरियल, वीडियो स्क्राइब का पूरा ट्यूटोरियल इसी ट्यूटोरियल में मैं आपको बतला दूंगा। तो चलिए अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इस दोनों सॉफ्टवेयर को फाइनली आप डाउनलोड कर ही लीजिए तो बेटर रहेगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जब आप वीडियो स्क्राइब को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में, और हाँ ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर है, चाहे तो आप इसका क्रैक वर्जन भी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल मैं अभी वो रिकमेंडेड अभी आपको मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप हो सके तो परचेज ही कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को आप यहां से जब इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस रहता है। इस प्रकार का तो नहीं, मैं अभी फ़िलहाल इसको ओपन करके पहले से रखा हुआ था इसलिए इसका इंटरफेस इस प्रकार के हैं। तो मैं अभी इसको काट रहा हूं और शुरू से आपको दिखला रहा हूं इसका इंटरफेस किस प्रकार से आता है। तो ये वीडियो स्क्राइब को जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होने लगता है और ये देख सकते हैं वीडियो है। यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डालना है 123@gmail.com और उसके बाद हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने इस प्रकार से आता है एक ट्यूटोरियल यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू यूज, हाउ टू ऐड इमेज, ये सब यहाँ पर आते रहता है। और नीचे में आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाता है फ्री। आपके पास ट्रायल वर्जन रहता है तो यहाँ पर ये वाली लोगो आ जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो स्क्राइब का। और अगर आप परचेज कर लेंगे तो आपके पास ये नहीं रहेगा जैसा कि अभी मेरे। तो फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू स्क्राइब। यहाँ न्यू अगर हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे तो इस पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं मेरा ये ट्रायल वर्जन नहीं है जो कि मैंने परचेज किया हुआ हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर में मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप अपने एनिमेशन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मैं एक एक करके सारे आपको बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आपका सेव करने के लिए है, आपका जो कंप्लीट हो जाएगा वीडियो स्क्राइब में ट्यूटोरियल या फिर कोई वीडियो बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाला, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से ये वाली जो है यहाँ से प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने कोई वीडियो बनाया उसको आपको देखना है सेव किए हुए, यानी कि सेव करने से पहले, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये है ऐड इमेज। आप अगर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाते हैं तो यहाँ से आपको इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो ये है इमेज ऐड करने के लिए। और दूसरा जो है ये टेक्स्ट है, और तीसरा ये जो है ये है बार लाइन, ये सब जो होता है ये सब ऐड करने वाला है। तीसरा यहाँ पर आपको म्यूजिक लगाना है तो वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है आपका वॉइस, जो आप यहाँ से रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। और चौथे नंबर पे यहाँ आता है पेपर,
यानी कि आप व्हाइट बोर्ड बनाना चाहते हो या फिर जो भी जिस भी कलर में आप बनाना चाहते हो, मान लो आप व्हाइट बोर्ड बनाना चाहते हो, जिस पर क्लिक करोगे ये व्हाइट बोर्ड हो गया। अगर आपको इस प्रकार की बोर्ड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बोर्ड आ जाती है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो जैसा आप चाहे। तो मैं फिलहाल अभी व्हाइट बोर्ड के बारे में बतला रहा हूँ, तो व्हाइट बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से ऐड इमेज करता हूँ। इमेज ऐड करते ही देख सकते हैं यहाँ पर एक, चाहे तो आप कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर का कीवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पिक्चर इमेज वो सारे के सारे यहाँ पर हमें दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ऑनलाइन चल रहा है तो यहाँ पर नेट की स्पीड बहुत स्लो हो गई है आजकल, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ जाएंगे तो मैं फिलहाल अभी इस पर क्लिक हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं होम पर क्लिक करता हूँ, जहाँ लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। यहाँ लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ प्रोसेस, यहाँ सोशल मीडिया का, यहाँ पीपुल, यहाँ मनी, ये कीवर्ड है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ इसमें आपको इमेज दिखाई देगी। जैसे मैं मनी पर क्लिक किया तो ये मनी से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको दिखलाई देंगे ये इमेज। तो जैसा कि मैं यहाँ पर दो है तो यहाँ पर इस पर फर्स्ट वाले पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये सब इमेज हमें दिखाई दे रहे हैं, और सेकेंड वाले पेज पर ये सब इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं ये वाले इमेज को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको इतना करता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। फिर चाहे तो फिर आप यहाँ से अपना होम, ये लाइब्रेरी है, होम मान के चलते हैं हम इसे, होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर से हमारे पास ये सारा आ जाता है। तो मैं अभी सोशल मीडिया का एक इमेज लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लिक करूँगा। सोशल मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये सारा का सारा इमेज आ जाता है। तो चाहे तो आप जो भी इमेज सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट करता हूँ, यूट्यूब का इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यूट्यूब का यहाँ पर इमेज सेलेक्ट किया, ऐसा करके इमेज सेलेक्ट किया। तो मैं इसको चाहूँ तो बीच में रख सकता हूँ, चलो मैं बीच में ही रख दिया। अब इस पर क्लिक करना है आपको फिर से। अगर आप चाहे तो यहाँ से फिर भी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आप कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन सकती है। मैं फिलहाल इसको कट करता हूँ। अब चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, तो टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी चाहे, जैसा कि मैं यहाँ पर हेलो लिख रहा हूँ अभी, हेलो। चलिए मैं यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से चाहे तो आप अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऐप पर क्लिक करने के बाद फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको कलर है, यहाँ पर क्लिक करके अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आ गया। यहाँ से आप अपना फॉन्ट को डायरेक्टली सिलेक्ट करने के बाद, जैसा कि मैं अभी ये फॉन्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया, और अभी हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे भी ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं रेड पर क्लिक किया और यहाँ सही के टिक, सही पर टिक कर देना है। सही पर टिक करने के बाद यहाँ हेलो आ गया। तो ये देखिए, इसको चाहे तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, चलो। और उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो ये सब वॉयस और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं भी कुछ नहीं डालने वाला हूँ। अभी मैं हैंड सिर्फ इसमें हैंड फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर हैंड पर क्लिक किया और चाहे तो आप जो भी हैंड सेलेक्ट करना चाहे, जिस प्रकार का वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी ये सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो देख सकते हैं ये किस प्रकार से टाइप करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से कट करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये अच्छा लग रहा है तो इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सही के टिक पर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद जब हमारा वीडियो तैयार हो जाएगा, मैं इसमें वॉइस नहीं डाला हूँ क्योंकि अभी आपको बतलाना ही था सिर्फ और सिर्फ, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी।
तो यहाँ से आप वॉइस भी ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ये देख सकते हो, यहाँ से रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो, या फिर यहाँ से अपने फाइल में से भी इंपोर्ट कर सकते हो MP3, या फिर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस। तो ये सब अपनी इससे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जो बेसिक था वह मैं आपको आज यहाँ पर बतला रहा हूँ। तो इतना करने के बाद जब आपका वीडियो तैयार हो जाता है तो आपको इसे देखना होता है। तो देखने के लिए मैंने पहले भी बतलाया था कि आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो कि आपका वीडियो किस प्रकार से तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ, और अब हमें इसमें एक चीज़ बाकी रह जाती है, जो कि हम इसमें हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आपको नीचे नहीं, वो सॉफ्टवेयर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और मैंने जो आपको शुरू में बतलाया था कि इसे डाउनलोड कैसे करना है सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर लेना है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद इसे जब आप ओपन करेंगे, डायरेक्टली ओपन होता है, इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए इसे इससे हम लिखेंगे कुछ जो हमें लिखना पसंद आएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कौन। इस प्रकार से ही आप यहाँ से लिख करके यहाँ पर आपको करना क्या पड़ता है। हाँ, जब आप इस पर लिख लोगे, वो जितना भी कुछ लिखना होता है हिंदी में यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है पाथ पर, कंट्रोल एक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑब्जेक्ट के बगल में यहाँ पाथ दिख रहा होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट टू पाथ पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से आपको न्यू पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव हमें यहाँ पर करना है डेस्कटॉप पर, यहाँ ड्राइंग लिखा हुआ, मैं इसी के नाम से यहाँ पर तत्काल के लिए कुछ समय के लिए सेव कर लेता हूँ। सेव हो जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा ये ड्राइंग नाम का यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे ये देखिए वीडियो स्क्राइब को खोलेंगे और यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, और फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्राइंग नाम का फोल्डर बना है जिसमें हमने लिखा था कौन। तो यहाँ इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए हमारा कौन आ चुका है। तो कौन को हम यहाँ थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और इसको भी साइड करके, और ये देखिए इसको अब अभी प्ले करेंगे। तो ये सारा का सारा हमने जो वीडियो अभी क्रिएट किया था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्यूटोरियल। और इस प्रकार से आप भी अपने लिए व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, एक चीज़ बाकी रह गया इस वीडियो में, जो कि आपको यहाँ पर मैं अभी बतलाऊँ, इसको थोड़ा सा प्ले मैं इसको रोक रहा हूँ। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा वो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतलाना ही है। और वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी सीख सके कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन या फिर ब्लैक बोर्ड या जो बोर्ड चाहे अपनी मर्जी से बोर्ड सेलेक्ट करके किस प्रकार से बना सकते हैं एक व्हाइट एक एनिमेशन वीडियो। तो एक चीज़ इसमें बाकी रह गया था वो है यहाँ पर ये, अभी यहाँ से आप इसको जितना सेकंड तक रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं मिस कर गया, सॉरी, उसके लिए मैं ये अंतिम में बतला रहा हूँ, भूल गया था थोड़ा सा। वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है लगता है। तो यहाँ से अपना सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं कितना सेकंड ये रहेगा। तो मैं अभी इसको आपको दिखला रहा हूँ, ये सबको मैं धीरे कर रहा हूँ, कम कर लेता हूँ। अब ये देखिए कितना फास्ट ये जो है प्ले कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जितना समय के लिए चाहे उतना समय के लिए कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में तो बतलाना ही है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।